नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है आपका, वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जनरल साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और इन सभी का आपको PDF भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो। हम जो है कस्टमर रिलेशनशिप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी आपका हम करा देंगे। और देखिए, इसके साथ जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, अगर आप लोग DFC सेल ऑपरेशन और BD एग्जामिनेशन का, जो कि ये एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों वालों के लिए है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपका ये सारे टॉपिक जो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, DFC सेल का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, तो इनका जो है हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, और इसके साथ में PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हो अपना, और डेडिकेटेड वे में केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। और आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है कोर्स। और जब आप लोग बाय कर लोगे, तो फिर इसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो जो भी इसके अंदर में PDF फाइल्स है, तो सभी का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो आज का जो क्लास है, इसमें देखिए हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हुए हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड। आपका जो मेजॉरिटी जो टॉपिक है, तो वो हमने कवर आपका करा दिया है। और इसमें जो और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग इसको समझ लेंगे, क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम कम रह गया है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि इन CRM द एब्रिविएशन FUD स्टैंड्स फॉर, तो जिसे देखिए हम लोग फड भी बोलते हैं हम लोग इसे, तो FUD देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा। तो इसका देखिए होता है आपका, दैट इज फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका, ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स। तो देखिए जो फड आपका है, तो ये जो है आपका, इसमें आप देख ही रहे ना कि फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। अब जैसे कोई किसी चीज़ का हाइप क्रिएट होती है, या फिर उसके पीछे जो है डर का माहौल बनाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर कोई कंपटीटर जो रहता है वो किसी और के प्रोडक्ट जो होते हैं, तो उसको अगर वो चाहता है कि इसका प्रोडक्ट जो है मार्केट से आउट हो जाए, या फिर जो है इसका कोई ज़्यादा यूज़ ना करे, तो वो इस तरीके का एक तरीके का एक फियर क्रिएट करता है, और उसके पीछे जो है डाउट क्रिएट कर देगा कि हाँ इसका प्रोडक्ट जो है उतना अच्छा नहीं है। तो ये देखिए एक टेक्निक होता है मेनली, जैसे सेल्स में, मार्केटिंग में, तो इनका यूज़ किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो है ये करते हैं कि वो जो अपना प्रोडक्ट है वो उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके एज कंपेरिजन टू कंपिटिटर के प्रोडक्ट से। तो इससे क्या होगा ना कि उनका जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उनको, और बाकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर में वो इन्फीरियर उसको दिखा के अपना प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का एक टेक्निक होता है बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए कंज्यूमर को। तो ये जो है आपका, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स का आपका हो गया। और देखिए ये सारा चीज़ जो है हर हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, फड फैलाया जाता है आपका, वो चाहे इलेक्शन से भी रिलेटेड हो आपका, इसके अलावा चाहे आपके जो आपके ट्रेडिंग वगैरह भी यूज़ किया जाते हैं इसका, कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाया जाता है, तो उसके चलते क्या होता है कि प्राइस अचानक से डंप हो जाता है। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे इस तरीके के। फिर इसके बाद देखिए अगला आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि NCRM IDIC मॉडल स्टैंड्स फॉर, तो जो IDIC मॉडल है आपका, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए जो IDIC आपका है, तो ये एक एक्रोनिम होता है, इसका देखिए जो फुल फॉर्म होता है आपका, दैट इज आइडेंटिटी डिफरेंशिएट इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज। तो ये जो है आपका क्या है, इसका एक एक्रोनिम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए किसमें आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आइडेंटिफाई है, उसके बाद डिफरेंशिएट है और इंटरेक्ट है, और इसके बाद कस्टमाइज आपका हो जाएगा। तो IDIC का जो फुल फॉर्म इसका आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर है। और देखिए जो IDIC आपका है, तो ये एक मॉडल है, ये डेवलप किया गया था बाय पेपर्स एंड रोजर्स के द्वारा, ये किया गया था 1995 में। तो ये इन्होंने देखिए इसलिए किया था ताकि ये जो है
कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सके एक इंडिविजुअल के तौर पे, और उनको फील करा सके कि वो जो है उनको जानते हैं इस तरीके से। यानी कि इसका डिफरेंस में आप यहाँ पे जिसका जो फुल फॉर्म है उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, डिफरेंशिएट करो, उनके साथ में इंटरेक्ट करो और फिर कस्टमाइज करो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, मतलब कि जो सीआरएम से रिलेटेड आपका है, तो हमने देखिए पीडीएफ में ये सारा कुछ हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग जो है इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेना। आप यहाँ पे देखिए देख सकते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके, जैसे कि आपका एबीसी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि एक्टिविटी से रिलेटेड जो बेस्ड कॉस्टिंग आपके रहते हैं तो वो आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है ACSI, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स। तो ये जो है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए मे बी एक जारी किया गया होगा कि उनके कस्टमर जो कितने सेटिस्फाई होते हैं, तो एक इंडेक्स निकाला जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फुल फॉर्म मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन जो है इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो उसके अलावा आप यहाँ पे और भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपका ASP है, इसका होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ACD है, इसका होता है आपका ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसका BDN आपका है, इसका होता है आपका बेनिफिट डिपेंडेंसी नेटवर्क है। फिर BPO आपका, इसका फुल फॉर्म आपका है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे और भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है फुल फॉर्म का। तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना अच्छे से, तीन चार बार आप लोग पढ़ लोगे इसका तो आपको याद आ जाएगा। और कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, तो आप लोग अगर देखे हुए रहेगा तो वो जो है आपका स्ट्राइक कर जाएगा कि इसका फुल फॉर्म ये होना चाहिए। तो आप लोग जो है इसको एक दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार भी हो सके एक बार जरूर पढ़ लेना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे आपका एक से दो क्वेश्चन आपका जरूर आएगा CRM के अंदर में। तो यहाँ पे आपका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग जो है पूरा जितना भी इसमें 63 दिया हुआ है, तो सारे का आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द CRM 3 डायमेंशंस। तो CRM के जो 3 डायमेंशंस है, तो वो आपको बताना है कि कौन कौन सा हो जाएगा इसका। तो देखिए जो CRM के जो 3 डायमेंशंस होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा दैट इज पीपुल प्रोसेस एंड IT। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका ये हो जाएगा। तो ये देखिए जो CRM का जो साइकिल जो आपका रहता है, तो इसमें मेनली रहते हैं आपके यहाँ पे जैसे मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और साथ में सेल्स एक्टिविटीज होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे सबसे पहले जो आपका साइकिल के अंदर में स्टार्ट आपका रहता है कि सबसे पहले वो जो है, अब जैसे कस्टमर को एक्विजिशन करने का बात आता है कि वो कैसे कस्टमर को एक्विजिशन वो करते हैं, और इसके बाद फिर उस पर जो है अपना किस तरीके से लॉयलिटी अपना वो बिल्ड करते हैं, और इसके बाद फिर जो है आपका, तो इसके अंदर में मेनली ये आपका 3 डायमेंशंस में अंदर में एक साइकिल होता है। तो एक्चुअली में देखिए ये जो है, तो आपका यहाँ पे 3 तरीके से ये गुजरते हैं, यानी कि 3 इसके कॉर्नर स्टोर्स होते हैं, जो कि कोई भी एक सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप अगर मान लीजिए कोई बनाना चाहता है कोई भी अपना फॉर्म से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो ये जो है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को ये फॉलो करता है, जिसमें कि आपका मेनली 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आपका पहला पीपल हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया, और तीसरा आपका है टेक्नोलॉजी का, यानी कि वो IT का ही इसमें हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 डायमेंशंस जो है इसके CRM के, तो वो है आपका पीपल, प्रोसेस और IT। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द सी सूट। तो सी सूट के अंदर में कौन सा जो है फॉल नहीं करता है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है वो सी सूट क्या होता है आपको ये समझना होगा। तो देखिए जो सी सूट है इसका देखिए फुल फॉर्म होता है, आप एक तरीके से आप फुल फॉर्म नहीं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इसको जो है और भी नाम से जाना जाता है, सी सूट या सी लेबल। तो ये एक टर्म रहता है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, तो उसके जो क्लस्टर जो होते हैं, यानी कि उसमें जो मोस्ट जो पर्सन, जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन जो होते हैं या फिर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, तो उनका एक क्लस्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अब जैसे देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, सरकार कोई रहती है, तो आप जानते हैं कि उसमें भी क्लस्टर रहता है, एक PM होंगे, उनके नीचे मिनिस्टर्स होंगे, उसके नीचे और जो है स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो उसमें भी देखिए क्लस्टर होता है उनका,
एक इम्पोर्टेंट पर्सन्स के, यानी कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, सिर्फ यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव के बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मोस्टली देखिए जो कॉमनली जो सी सूट के अंदर में जो एग्जीक्यूटिव जो आते हैं तो उसमें आते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ आपका दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO आपका हो गया, इसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया CFO, इसके अलावा आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गए COO, और इसके बाद आपके हो गए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर दैट इज CIO आपके हो गए। तो ये जो होते हैं सी सूट के अंदर में ये फॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेनली आपको याद ये कर लेना है कि जैसे यहाँ पे और भी जो सेवरल पोजिशन जो रहते हैं जो कि आपका यही एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर में आता है, यानी कि जो आपका सी सूट का जो लेवल है तो उसके अंदर में यही सारा चीज़ इनका और भी आता है, और भी पर्सन इसके अंदर में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है चीफ एनालिटिकल ऑफिसर CAO आपका हो गया, चीफ डेटा ऑफिसर आपका हो गया CDO हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आपका हो गया CMO हो गया, और चीफ ग्रीन ऑफिसर हो गया CGO हो गया, इसके अलावा चीफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया आपका CHRM, और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CSO आपका हो गया, और एक है आपका यहाँ पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर दैट इज CCO आपके हो गए। तो ये जो है और भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, मतलब कि जो और पोजीशन जो होते हैं जो कि इसी लेवल के अंदर में आपके आ सकते हैं। तो मेनली देखिए इनका जैसे कंपनी में या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका होना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि देखिए इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, और साथ में जो है लीडरशिप स्किल्स भी रहती हैं इनके पास में, तो ये जो है कंपनी को ग्रोथ वो अच्छा करा सकते हैं। तो जो ये सी सूट में जो होते हैं आपके एक्चुअली में ये जो क्लस्टर जो होती है इन सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनका होना, और इनका होने से जो है कंपनी का ग्रोथ में भी ये जो है इजाफा देखने को मिलती है। तो नंबर ऑफ सी सूट जो पोजिशंस है आपका, मतलब कि किसी में आप देखिए ये सारे जो पोजिशन जो होते हैं तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे, मतलब कि जो कंपनी कैसी है, उसकी साइज कैसी है, उसकी सेक्टर वो किस में काम कर रहा है, उसका मिशन क्या है, तो उस तरीके से इसमें जो है किसी में अब 3-4 भी होंगे, किसी में 2-3 भी होंगे, किसी में जो है अप्रोक्सीमेटली उसमें 7-8 भी होंगे, और किसी में 10 से भी ऊपर होंगे। तो ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर में, जितना बड़ा कंपनी होगा उतना ही ज़्यादा उसमें अंदर में जो सी सूट के अंदर में जो आते हैं जो क्लस्टर जो होते हैं तो उतना ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो इम्पोर्टेंट जो पोजीशन जो होती है सीनियर एग्जीक्यूटिव का कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनका जो क्लस्टरिंग होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सी सूट, मतलब एक टर्म रहता है बेसिकली इसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन जो है इसके अंदर में फॉल नहीं करेगा सी सूट के अंदर में, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये तीनों तो आपके आएंगे ही, लेकिन इसमें आपका दिया हुआ है सेल्स मैनेजर, तो देखिए जो सेल्स मैनेजर है तो ये जो है सी सूट के अंदर में फॉल नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और बाकी जो है आप लोग ऑप्शन को भी वहाँ पे देख लेना क्या क्या दिया हुआ है, और हमने जो आपको यहाँ पे बताया हुआ कि कौन कौन सी सूट के अंदर में फॉल कर सकता है तो उनका लिस्ट आप लोग याद रखना, आपका जो है उन्हीं में से देखने को मिलेगा, और इसके साथ में इन सभी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका, इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इन द प्राइसिंग वन न्यू इमर्जिंग मॉडल्स इज द आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल, तो व्हेन द प्राइसिंग इज डन फॉर द IT इंडस्ट्री विच ऑफ दीज विल रिप्रेजेंट द आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया हुआ है कि जैसे प्राइसिंग जब की जाती है कोई भी मान लीजिए न्यू अगर इमर्जिंग मॉडल होता है तो वो जो है आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल पे डिपेंड करता है, तो इसमें जो प्राइसिंग की जाती है इसकी IT इंडस्ट्री के लिए तो ये जो है कौन सा एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि जो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग हो सकता है, जो एग्जाम्पल मैं आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा कि आउटकम बेस्ड जो प्राइसिंग मॉडल होता है तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली कर लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिए आउटकम बेस्ड प्राइसिंग का मतलब रहता है यहाँ पर कि आउटकम का मतलब सिंपली सी हो गया यहाँ पर आपका कि जब प्राइस जो प्रोडक्ट का होता है तो वो जो है बेस्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू परसीव वैल्यू, यानी कि उस प्रोडक्ट का कितना जो है परसेप्शन हो रहा है, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं या फिर कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे उसकी प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है यहाँ पे, ना कि उसके कॉस्ट के ऊपर में। मान लीजिए कोई कंपनी है उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का प्राइस वो फिक्स करना चाहता है अपना, तो उस प्राइस का प्रोडक्ट जो है तो वो अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग करता है कि मेरे ऊपर जो है मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कितना खर्चा आया, तो उसके ऊपर वो करता है। लेकिन देखिए जब आउटकम बेस्ड प्राइसिंग रहता है तो इसमें जो है
वो अपना कॉस्ट को ध्यान में नहीं देखेगा, यहाँ पे जो है उसकी परसेप्शन के ऊपर में देखेगा कि लोग जो है कितना उस प्रोडक्ट को परसीव कर, मतलब कितना उसको जो है लाइक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है उसके कॉस्ट पर रखेगा, भले इसमें उसको लॉस हो या फिर उसको प्रॉफिट हो, वो उसको मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो जो है अभी अपना बनाना चाहता है मार्केट के अंदर में। तो जब भी प्राइस जो है आपका वो कोई प्रोडक्ट के परसेप्शन वैल्यू पे अगर रखी जाती है, यानी कि उसके आउटकम पे बेसिस पे जो रखी जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। तो इसमें बिजनेस देखिए यही चाहता है कि वो अपना प्राइस जो है वो वैल्यू प्रोडक्ट की कितनी है इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, यहाँ पे वो कॉस्ट के ऊपर पे ध्यान नहीं देगा, उसका वैल्यू के ऊपर में प्राइस को फिक्स करेगा। तो लेटर जब उसके परसेप्शन अच्छा हो जाएगा तो बाद में उसका जो है प्राइस फिक्स कर देता है। तो ये देखिए एक मेथड होता है प्राइसिंग का, जहाँ पे जो बिजनेस का जो आउटकम जो रहता है तो वो लिंक रहता है उसके गोल से, यानी कि बिजनेस का गोल क्या था उसका, कि उस प्रोडक्ट को वो सक्सेसफुल कराना चाहता है, भले उसमें उसको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन वो जो है अपना एक बार उसका गोल रहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है ये सभी के लाइक बन जाए, सभी कोई लाइक करे इनका प्रोडक्ट का, और ये जो है सभी के दिलो दिमाग में अच्छा जाए या फिर सभी लोग इसको चाहने लगे प्रोडक्ट को। तो वो बस इनका एक गोल रहता है इसके पीछे से, मतलब अपना आउटकम देखना चाहते हैं। और बेसिकली इसमें जो है अपना एंड कस्टमर जो होते हैं ना, मतलब जो फाइनल जो कस्टमर जो होते हैं, तो वो उनको बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें बेसिकली ये इनका मोटिव रहता है, ना कि उनका अपना बेनिफिट हो ये नहीं देखते हैं। तो यही होता है आपका आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में। तो ये देखिए बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो जो है एक बैलेंस अपना बनाए रखे, जिससे कि जो बायर है तो वो अपने डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट का जो आउटकम जो भी रहता है तो उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें देखिए प्रोडक्ट जब कंज्यूमर के पास जब आता है तो वो उसको जब उसको यूज़ करेंगे तो उनसे उनका सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, और एक तरीके से वो उनके ऊपर में अगर बन जाएंगे रेगुलर कस्टमर बाद में अगर उनको अच्छा लगेगा तो। तो इससे क्या होता है ना कि एफिशिएंसी भी बिजनेस की बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट जब वो लॉन्च कर रहे हैं और उसका जब प्राइस वो डिसाइड कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो जो है उतना उसका वैल्यू नहीं बन पा रहा है कस्टमर के ऊपर में, वो उतना लाइक नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो है एक लॉन्ग रन में वो टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आउटकम बेस्ड प्राइसिंग ये टोटली डिपेंडेंट होता है आपका, दैट इज़ कि प्रोडक्ट का वैल्यू कैसा है, यानी कि उसका जो है परसेप्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, कंज्यूमर उसको कितने लाइक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, आप लोग को इसको याद रखना होगा। तो मेनली इसमें जो है कस्टमर को बेनिफिट देने की ज़्यादा बात इसमें कही जाती है। तो यहाँ पे देखिए वही आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे आप क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑप्शन में कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर टेस्टिंग। तो इसमें देखिए जैसे रिसोर्सेज जो होते हैं अवेलेबिलिटी होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो इनसे कोई रिलेशन है ही नहीं इसका। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स। तो इसमें देखिए बिलेबल आवर्स रिलेटेड बात कही जा रही थी, इससे आपका कोई रिलेशन है ही नहीं जो आपका आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है। फिर इसके बाद देखिए सी दिया हुआ आपका द नंबर ऑफ पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो ये देखिए इससे भी कोई रिलेशन नहीं है इसका आउटकम बेस्ड प्राइसिंग का। ऑप्शन डी में देखिए दिया हुआ है कि इंक्रीज इन द प्रोफिटेबिलिटी फॉर द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट का इसमें जो है प्रोफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट हो। तो यही देखिए इसका क्या होता है आउटकम बेस्ड प्राइसिंग का सबसे ज़्यादा जो है ये मतलब ये रहता है इसका, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पर्सनलाइजेशन इन द डिजिटल एनवायरनमेंट रेफर्स टू। तो इसमें यहाँ पे मेनली ये पूछा गया क्वेश्चन में आपका कि जो डिजिटल एनवायरनमेंट जो रहता है तो उसमें जो पर्सनलाइजेशन की जाती है तो ये किसको रेफर करता है एक्चुअली में। तो इसमें देखिए मेनली जो इंडिविजुअल जो कस्टमर्स होते हैं तो ये उनको जो है मेनली फोकस करके किया जाता है, यानी कि उनको जो है मैसेज जल्दी से पहुंच जाए, यानी कि उनको एक्चुअली में टारगेट किया जाता है जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं यहाँ पर। तो यही आपका सिंपल सा मीनिंग है पर्सनलाइजेशन इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, यानी कि किसी को खास जो वर्ग जो होते हैं कस्टमर के तो सिर्फ उन्हीं को पर्सनलाइज करके उनको ही टारगेट करते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहले आप टर्म समझ लीजिए इसका कि पर्सनलाइजेशन डिजिटल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका। तो इसमें देखिए मेनली जो है जो कस्टमर जो होते हैं यानी कि जो ऑडियंस जो रहते हैं तो उनका प्रेफरेंस को और साथ में जो नीड जो होती है उनकी तो उनको जो है माइंड में रखा जाता है और उसके बेसिस पे उनको टारगेट किया जाता है ताकि जो राइट प्रोडक्ट है तो वो जो है एक राइट पर्सन को एक सही समय पर मिल सके। तो ये मेनली देखिए किया जाता है पर्सनलाइजेशन द डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर में। तो इसमें देखिए जब ये इस तरीके का एक्टिविटी की जाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो जो है अपना कस्टमर को अपना ये महसूस करा सकते हैं कि वो जो है उनके पास जो प्रोडक्ट है
तो वो अच्छा है वो, और साथ में इंटीग्रेशन भी उनके साथ में अच्छी है, यानी कि उनके साथ में इंटरेक्शन जो हो रही है कंपनी के साथ में या फिर फॉर्म्स के साथ में, तो वो उनका और अच्छा है। तो इससे उनका देखिए क्या होता है ना कि जब कस्टमर जब जुड़े रहेंगे क्लाइंट के साथ में या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो उनको जो है और अच्छा महसूस फील होगा कि हाँ मेरे जो सर्विस जो दे रहे हैं तो वो और अच्छा है इसके साथ में, और हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है तो वो जो है अच्छा है। तो एक तरीके से यहाँ पे पर्सनलाइजेशन जब की जाती है तो इंडिविजुअल जो कस्टमर जो रहते हैं तो उनको मैसेज यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मेनली यहाँ पर आपका रहता है कि जो मैसेज जो है इंडिविजुअल कस्टमर्स को तो वो जल्दी मिल सके, और इसके साथ साथ में ये एक तरीके से जो रहता है आपका कि 1-to-1 जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो रहती है कस्टमर के लिए, तो वो भी यहाँ पे आपका बन जाता है। आप देखते हैं आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपसे रिव्यू ली जाती है, और आपसे जो है वो तब तक वो लेते रहेंगे कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका पर्सनलाइजेशन ही आपको किया जा रहा है, और मेनली ये ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, डिजिटल इन्वायरमेंट में है आपके यहाँ पे, तो मेनली बहुत सारे तरीके होते हैं डिजिटल यूज़ को, जैसे आपको प्रचार करने के लिए हो गया या फिर एडवर्टीजमेंट करने के लिए हो गया, या फिर जो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो आपका जो डेटा रहता है उसको एनालिसिस करते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं आपसे रिलेटेड, तो उन सबको अपने पास जो है वो डेटा इकट्ठा करके रखता है और उसी के बेसिस पे आपको वो सर्व करते हैं। तो पर्सनलाइजेशन जब डिजिटल वर्ल्ड में आपको करते हैं यहाँ पर, तो वो जो है डिलीवर करते हैं आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, यानी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, जैसे आपका प्रीवियस जो एक्शन रहा था आपका प्रोडक्ट लेने का वो कैसा था, इसके अलावा आपके जो बाइंग हिस्ट्री है वो कैसा रहा था, और इसके साथ साथ में जो है डेमोग्राफिक्स और साथ में जो और भी आपके ब्राउजिंग जो बिहेवियर्स होती है, तो वो सारा कुछ वो देखते हैं। आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं तो आप देखिएगा कि उस समय आपने जो प्रोडक्ट को सर्च किया होगा, तो जब दोबारा आप उस साइट को ओपन करते हैं तो वही सेम प्रोडक्ट मिलता जुलता ही आपको वहाँ पर बार बार वो दिखाएंगे। तो ये रहता है आपके कि पर्सनलाइज कर रहे हैं आपको, यानी कि उसके ऊपर में बार बार वो रुचि आपको बढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली में ये क्या होता है कि वो जो है मैसेजिंग आपको जल्दी कर पाते हैं, यानी कि आपका उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके। तो ये मेनली आपका रहता है दैट इज टेलरिंग द मैसेज टू द इंडिविजुअल कस्टमर। तो ये देखिए मीनिंग है, आपको समझना होगा, आपने इसके बारे में ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने अगर कोई अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट आपने अगर कोई ओपन किया होगा और प्रीवियस में आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया होगा, तो जब आप लोग दोबारा ओपन आप करते होंगे तो वही देखिए सेम प्रोडक्ट आपका आ जाता होगा या फिर उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट आपको दिखाई देते होंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पर्सनलाइजेशन हो गया आपका, ताकि जो है आपके पास मैसेज जल्दी पहुँच जाए कि मतलब हाँ आप प्रोडक्ट ये लेना चाहते हो, और इसके साथ में वो अपना भी प्रॉफिट वो बना सके। तो मेनली आपको पर्सनलाइजेशन करने का मतलब यही रहता है। और बाकी देखिए इसमें ये आपका दिया ऑप्शन है कि बाइंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन से इनका कोई रिलेशन नहीं है पर्सनलाइजेशन का, रजिस्टरिंग फॉर बाइंग तो ये भी कोई रिलेशन नहीं है, सेलिंग फॉर बाइंग तो ये भी कोई इससे रिलेशन में नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो आपका सीआरएम का जो क्वेश्चन रहता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट पे आपको अच्छा क्लैरिटी है भी नहीं, तभी आप लोग थोड़ा सा अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग को होगा तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो इसमें, क्योंकि देखिए इसमें टॉपिक्स बहुत सारा है, बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बार आप लोग जो थोड़ा इंटेलिजेंस भी अपना यूज़ करना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना।